छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में एक दिवसीय एनएसएस शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि मुसरा के द्वारा ग्राम कातलवाही में एक दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया है। एनएसएस विद्यालय में शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। इससे छात्रों में सेवा भाव जागृत करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। कार्यक्रम की शुरुआत जनमानस को शांति, विवेक, धैर्य व संयम की सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। वही स्वामी विवेकानंद के जीवन चित्रण, उपदेशों व सेवा भाव को उपस्थित सभी जनमानस के समक्ष उन्हें याद कर उनके दिए हुए उपदेशों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और शाला का स्टाफ भी उपस्थित रहा। वही छात्रों द्वारा इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। डोंगरगढ़ से संवाददाता अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। आप कार्यक्रम अधिकारी हैं, बताइए एनएसएस के से लोगों को मतलब क्या प्रेरणा मिलती है? एनएसएस के माध्यम से क्या होता है कि हम बच्चों में व्यक्तित्व विकास, सबसे पहले हमारा लक्ष्य वही है, बच्चों में व्यक्तित्व विकास करना, समाज के माध्यम से जुड़ना, व्यक्तित्व विकास करना, अपने बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को जागृत करना। प्रत्येक बच्चों में कुछ ना कुछ प्रतिभा जरूर है, उस प्रतिभा को हमको जागृत करना है, बस यही है। और हम भारत की जो आत्मा है गाँव बस्ती है, तो गाँव में हमको विकास की गतिविधियों को, शासन की सारी योजनाओं को हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम गांव-गांव तक, जन जन तक उसको पहुंचाते हैं, जन जागरण करते हैं कि ये छात्र हैं। जब छात्र ये इस तरह से कार्य कर सकते हैं अध्ययन के साथ ही साथ, अध्ययन अध्यापन के साथ में, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हम एक मोटिवेशन के लिए हम पब्लिक के साथ ये काम करते हैं। जी, आपका परिचय सर थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद बशीर जिलानी, मैं शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला धनगढ़ विकासखंड मोहला जिला राजनांदगांव से हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से कार्यक्रम अधिकारी हूँ, उसके कार्यक्रम अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ तक मेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन मुझे जाना था, कुछ परिस्थितियों के कारण मैं जा नहीं पाया, यहाँ तक मेरी हो गई। अभी आगामी में, आगामी अंबिकापुर के पास एक सीता गाँव है, सीतापुर है, सीतापुर में उनकी अभी NIC फिर होने वाली है फरवरी और मार्च के बीच में, संभवतः वहाँ। और मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी राष्ट्रीय एकता शिविर NIC जिसको है, नेशनल एंटी ग्रेसेट कैंप ये, और स्टेट कैंप है, वहाँ मेरी सहभागिता रहती है। बच्चों को लेकर के मतलब ये क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के ये करके कहता हूँ कि ये बच्चे अगर इससे जुड़ जाए तो अपने व्यक्तित्व का निखार कर लेंगे और विषम परिस्थितियों में ये जीना सीख जाएंगे, इस तरह से इनकी स्थितियाँ बन जाती है। हम इतनी इनको पावर दे देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं कि बच्चे विषम परिस्थितियों में जीना सीख जाता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। प्रतियोगिता रखी गई यहाँ पर, आपने क्या सीखा है? हमने यह सीखा कि NSS प्रतियोगिता जो होती है वो तो हमें यह सिखाते हैं कि छात्र भी कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणादायक थे, उन्होंने युवाओं को बहुत सारे संदेश दिए, जिसके चलते हम उसके अगर संदेश की राह पर चलेंगे तो हम भी एक दिन एक स्वामी विवेकानंद जी बन सकते हैं और उनकी तरह कार्य कर सकते हैं। आपका नाम बताओ। कुमारी टिकेश्वरी वर्मा। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुसरा से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।